Morning class. Today you will read revision assignment of chapter 9. बेटा अभी तक आपने कोर्स बुक के एंड प्रैक्टिस बुक के एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है, तो आज हम रिवीजन असाइनमेंट जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करते हैं वो रिवीजन असाइनमेंट हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा आपको क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, आपने जो चैप्टर कंप्लीट किया है उसी में से आपको फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द न्यू वर्ड्स यू लर्न इन द चैप्टर. जो आपने चैप्टर में लर्न किया है उसमें आपको ये सेंटेंस रीड करके यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है. सो फर्स्ट इज ऑल द सिक्स ब्लाइंड मेन हैड देयर ओन. उनके अपने क्या थे, ब्लाइंड मैन के, ऑल द सिक्स ब्लाइंड मैन, सारे सिक्स ब्लाइंड मैन के पास उनके अपने देयर ओन क्या थे, अबाउट द एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में उनके अपने क्या थे, तो पॉइंट ऑफ व्यू. उनके क्या थे, अपने 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 सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे. ओके, तो इसमें हमने क्या फिल किया, पॉइंट ऑफ व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज. एंड नेक्स्ट अ वेपन विथ अ शार्प पॉइंट एट द एंड इज कॉल्ड अ. बेटा इसको आप लोग जानते हो, एक हथियार, एक ऐसा हथियार जिसके शार्प पॉइंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अ स्पीयर. आपने पढ़ा है ना बुक में, रीडिंग की है, तो इसको क्या कहेंगे, स्पीयर. एंड नेक्स्ट एलिफेंट्स कैन, एलिफेंट क्या कर सकते हैं, थ्रू फॉरेस्ट, जंगलों को क्या कर सकते हैं, उन्होंने सुना था, तो क्या इसमें फिल करोगे, ट्रैम्पल. ओके, ट्रैम्पल थ्रू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी ट्रैम्पल मीन्स रौदना, वर्ड मीनिंग में आपने देखा होगा, तो ट्रैम्पल फॉरेस्ट. एंड नेक्स्ट है द लाउड नॉइज ऑफ द एलिफेंट्स ट्रम्पेट, क्या होगा इसमें, द लाउड नॉइज ऑफ द एलिफेंट्स ट्रम्पेट, यानी कि एलिफेंट की जो आवाज आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, पियर्स्ड, पी आई ई आर, पी आई ई आर सी ई डी, थ्रू माई ईयर, ठीक है, मतलब मेरे कान में सुनाई जो देते हैं, ठीक है, उनके मतलब बहुत तेज आवाज, बहुत लाउड आवाज उनकी हमारे कान में सुनाई देती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाई वर द सिक्स ब्लाइंड मैन फाइटिंग. सिक्स ब्लाइंड मैन जो थे वो क्यों फाइट कर रहे थे. द सिक्स ब्लाइंड मैन वर फाइटिंग ओवर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिफेंट. वो एलिफेंट के बारे में डिस्क्राइब, हमेशा वो फाइट करते थे कि एलिफेंट ऐसा होता है, एलिफेंट ऐसा होता है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज हाउ डिड द राजा स्टॉप द फाइट. राजा ने कैसे स्टॉप कर दिया उनकी फाइट को, ठीक है, तो द राजा स्टॉप द फाइट बाय आस्किंग देम हाउ दे वर सो सर्टेन दैट दे वर राइट. राजा ने उनको ये बोल के चुप करा दिया कि कैसे वो राइट हो सकते हैं, ठीक है, आस्किंग देम हाउ दे वर सो सर्टेन दैट दे वर राइट, कैसे वे कह सकते हैं कि वो सही हैं, क्योंकि उन्होंने तो केवल एक एक पार्ट को टच किया था एलिफेंट के, तो राजा ने यही बोल के उन्हें फाइट करने से रोक दिया था. एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ कुड द ब्लाइंड मैन सी द ट्रूथ. जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो सच्चाई को कैसे देख पाएंगे, कैसे देख सकते हैं, तो सो आंसर इज द ब्लाइंड मैन कुड सी द ट्रूथ बाय पुटिंग ऑल द पार्ट्स टूगेदर. जो ब्लाइंड मैन होते हैं वो लोग फाइटिंग कर रहे थे ना, तो कैसे क्या कैसे वो देख पाएंगे, वो सच्चाई कैसे देख पाएंगे, ऑल द पार्ट्स मीन्स बाय पुटिंग ऑल द पार्ट्स टूगेदर, सारे पार्ट्स को जब एक साथ वो टच करेंगे तभी वो ट्रूथ को देख पाएंगे. ओके, तो आई होप कि बेटा ये रिवीजन असाइनमेंट आपको समझ में आया होगा. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर आपके लिए लेके आऊंगी. ओके, थैंक यू.